मुझे लगता है कि नीतीश जी को तानाशाह कुमार बनने का शौक है और उत्तर कोरिया के किंग जॉन कुमार बनने का शौक है, तो बिहार की जनता उनको ये बता देगी कि किंग जॉन कुमार बनने का शौक का क्या अंजाम होता है। जहां इलेक्शन होता है वहां कोरोना क्यों नहीं होता है, ये हमको कोई आदमी बता दे। क्या प्रधानमंत्री के लिए कोरोना नहीं है, अमित शाह के लिए कोरोना नहीं है? अमित शाह भाषण दे रहे लगाए हुए हैं मास्क, प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिसको देश उनकी बात को सुन के उनको देख के अपने ऊपर भी लागू करता है चलता है, वो लोग क्यों नहीं मास्क लगा के घूम रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं मास्क लगा के भाषण दे रहे हैं? आखिर वो बताए केंद्र के सारे मंत्री बिना मास्क के क्यों घूम रहे हैं, क्यों लाखों की हजारों की भीड़ में लोग चल रहे हैं, आखिर वहाँ कोरोना क्यों नहीं है? जहाँ चुनाव होता है वहाँ कोरोना भाग जाता है, कोरोना चुनाव से डरता है। इसने देश को लूटा और लूट करके सारा कल बल छल, दंगा फसाद, हिंदू मुस्लिम, लेकिन बंगाल की जनता भी इनको औकात दिखाएगी। क्या कारण है कि जहां एक महिला के साथ बलात्कार करते हुए, रेप करते हुए, उसका वीडियो सेक्स करते हुए उसका वीडियो वायरल होता है, वो भाजपा ही मंत्री निकलता है? आखिर क्या कारण है कि तमाम गलत कामों का जब नाम निकलता है कि कौन कर रहा है, तो वो भाजपा ही होता है? सबसे पहले तमाम हमारे मीडिया के साथी आप लोगों का शुक्रिया कि इतने शॉर्ट टाइम में, मुझे लगता है कि 2-3 घंटा पहले खबर मिली, और आपके मोहब्बत का मैं कर्जदार हूँ कि आप लोग अपने तमाम ज़रूरी कामों को छोड़ करके और यहाँ आप आए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूँ, आपका शुक्रिया अदा करूँ। मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि उस अल्फाज से शुक्रिया अदा करूँ। आज जो मेरे आने का मकसद हुआ, 23 तारीख को पूरे बिहार के लाखों युवा साथी, छात्र युवा पटना के धरती पर जमा हुए नीतीश कुमार जी के उन वादों को याद कराने जो उन्होंने इलेक्शन में कहा था घूम घूम करके कि मेरी सरकार बनने पर 19 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। 5 महीने बीत जाने के बाद भी 19 लोगों को भी रोज़गार नहीं मिला। तो 5 महीने बीत जाने के बाद भी 19 लोगों को भी रोज़गार नहीं मिल सका। इन्हीं बातों को लेकर के जब लोग जमा हुए और उनसे ये जानना चाहा कि मुझे नौकरी कब मिलेगी, तो उन्होंने बजाय इसके कि टाइम बताते, लोगों को, नौजवानों को, युवाओं को लाठी डंडी और पत्थरों से मारा। अब एक बात समझने की है कि आखिर डकमंगला चौड़ा जो एक पौश एरिया है, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं हो रहा है, बोरे में भर भर के एक साइज़ के नुखिले पत्थर और ढेले, मतलब वो सब आए कहाँ से, ईंटा आया कहाँ से? तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर वो आया कहाँ से, कौन लाया? उसमें भी पुलिस को ये जानकारी थी कि लाखों लोग आ रहे हैं, तो 7 बैरिकेड बनाया था जिससे हज़ारों पुलिसकर्मी सुबह से डाकमंगला चौराहे पर मौजूद थे। मजिस्ट्रेट से हमारी बात हो रही थी कि भाई अब कहाँ तक जाएंगे, आप डाकमंगला से आगे नहीं जाइएगा। मैंने कहा था कि नेता आ रहे हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा, हमारी मांग है उसको मान लीजिए, या कैसे हम अपने ज्ञापन देना चाहते हैं मुख्यमंत्री को, सब बातें हो रही थी। लेकिन तेजस्वी जी वहाँ तक पहुँचे भी नहीं थे अभी तक, तब तक पुलिस वाले ने वाटर कैनन के बाद लाठी और फिर ऊपर छत से, जदयू के एक नेता का अपार्टमेंट है वहाँ पर, उसके ऊपर से ये बड़े बड़े पत्थर बरसने लगे और सामने पुलिस वाले भी बड़े बड़े रोड़े नोखिले रोड़े बरसाने लगे। तो आखिर वो पुलिस वाले के पास रोड़ा आया कहाँ से, आखिर वो छत के ऊपर रोड़ा गया कैसे, वो भी एक जाँच का विषय है। तो सवाल ये है कि जाँच इसलिए नहीं होगा कि चूँकि ये सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत किया, नीतीश कुमार ने अपने गुंडों को पुलिस के भेष में वहां पहुंचाया और ये कहा कि इन लोगों को जान से मार दो, जान से मारने की साजिश थी, जानलेवा हमला किया गया वहां, क्योंकि वहां पर नीतीश एक तेजस्वी जी पर भी हमला हुआ, कार्यकर्ताओं ने बचाया उनको, खुद पत्थर और लाठियां खाई, तेजस्वी जी को बचाया और तेजस्वी जी के नाम को लेकर के बार बार पुलिस वाले जाति सूचक गालियाँ दे रहे थे। तो आखिर उनके अंदर ये जहर किसने भरा कि तेजस्वी जी को गालियां देंगे? नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार के सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन छल के साथ मुख्यमंत्री बनने वाले चुने हुए मुख्यमंत्री, बिहार की जनता ने तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री माना और चुना, उनको वोट किया। छल कपट से बने हुए मुख्यमंत्री की जो तानाशाही है, बिहार के लोग उस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि नीतीश जी को तानाशाह कुमार बनने का शौक है और उत्तर कोरिया के किंग जॉन कुमार बनने का शौक है, तो बिहार की जनता उनको ये बता देगी कि किंग जॉन कुमार बनने का शौक का क्या अंजाम होता है। तो सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार जी ये सोचते हैं कि हम पत्थरों से या लाठियों से डर जाएंगे, तो वो भ्रम में हैं। हम लालूवादी लोग हैं,
हम अंबेडकर और गांधी के मानने वाले लोग हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के मानने वाले लोग हैं, हम डरने वाले नहीं, हम मुकाबला करने वाले लोग हैं। और ये लोग नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी, आप लोग कायर लोग हो, आप सावरकर की, कायर सावरकर की औलाद हो, आप डरोगे। आपके आका जो सावरकर थे, उन्होंने दर्जनों चिट्ठी लेकर के अंग्रेजों से माफ़ी मांगी। नानाजी देशमुख जो आरएसएस के नेता थे, 1974 के इमरजेंसी में जब उनको गिरफ्तार किया गया तो इंदिरा गांधी से माफ़ी मांग के मुआहदा करके वो जेल से बाहर निकले। ये कायर लोग हैं, कायर लोग डरोगे, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए अगर हमें अब डराना चाहते हो तो हम डरेंगे नहीं, बल्कि हम गांधी के रास्ते पर चल के, संविधान के दायरे में रह के हम मुकाबला करेंगे। हम बिहार की अस्मिता को भी बचाएंगे, हम जो देश के लोकतंत्र को भी बचाएंगे और 19 लाख रोजगार भी हम लेके रहेंगे। जब तक नीतीश कुमार जी और भाजपा के गुंडों, आप लोग अगर अपने आदत से बाज नहीं आए तो हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम आपके हर गलत नीति का विरोध करते रहेंगे। और जब तक नीतीश जी आप 19 लाख रोजगार नहीं दोगे, हम यह आंदोलन और तीव्रता के साथ और मजबूती दोगुनी ताकत के साथ जारी रखेंगे। इसी क्रम में जो लोग 23 तारीख को बुरी तरह घायल हुए थे, पूरे बिहार के सभी ज़िला में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर मैं सभी ज़िला में जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी लोग घायल हैं उनसे मैं मिल रहा हूँ, उनको मैं सम्मानित कर रहा हूँ। और मैं जा रहा हूँ तो पता ये चल रहा है कि लोगों में जोश और जुनून है। मैं तमाम युवा राजद के साथियों को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप तेजस्वी यादव जी के योद्धा हो, सिर्फ कार्यकर्ता नहीं हो, बल्कि तेजस्वी यादव जी के ओरिजिनल योद्धा हो आप। और आपने इस बात का परिचय दिया है कि इतनी लाठियां और पत्थर खाने के बाद भी जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर के बिहार बंद का जब आह्वान किया नेता प्रतिपक्ष ने, तो आपने निकल के बाहर पूरे बिहार में शांतिपूर्ण बंदी करा करके सरकार को ये मैसेज दिया कि तेजस्वी यादव जी का योद्धा डरने वाला नहीं है बल्कि लड़ने वाला है। हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, 19 लाख रोजगार लेके रहेंगे, हम संविदा कर्मी की बात करते हैं और उनको न्याय दिला के रहेंगे, हम ट्रांसपोर्टरों को न्याय दिला के रहेंगे, हम उर्दू को न्याय दिला के रहेंगे। उर्दू के साथ जो सरकार जो जिस तरह से सौतेला व्यवहार कर रही है, दूसरी सरकारी जबान भी ख़त्म करने की साजिश हो रही है, किस तरह से बता दिया कि 40 बच्चे से कम रहेंगे तभी तो उनको उर्दू की कोई टीचर नहीं रहेगा, किस तरह से ये उर्दू को ख़त्म करने की साजिश हो रही है, संस्कृत को ख़त्म करने की साजिश हो रही है। हम इन तमाम सवालों के लिए कि हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। चाहे 94,000 टीचरों को नियुक्ति पत्र देना है, उनको नहीं देकर के आप लाठियां दे रहे हो, हम उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे पंचायत चिकित्सक का मामला हो, चाहे ट्रांसपोर्टरों का मामला हो, चाहे जो और भी कई सवाल हैं, उन तमाम सवालों को लेकर, चाहे महंगाई का मामला हो, और नरसंहार हो रहा है चारों तरफ, हर जगह हत्या लूट अपना, एक एक दिन 28-28 मर्डर हो रहा है, व्यवसायी बिहार छोड़ के भाग रहे हैं, इन तमाम सवालों को लेकर हमारा आंदोलन जारी रहेगा। चाहे नीतीश कुमार जी तुम जितना भी गोली डंडा पत्थर बरसा लो, हम मानने वाले लोग नहीं हैं। तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार के तमाम उन 12-13 करोड़ लोगों के सवालों को लेकर, उनके जायज़ मांगों को लेकर हम आंदोलन करते रहे हैं और करते रहेंगे। और अगर नीतीश जी आप नहीं दे सकते हो, आप अपने वादे को पूरा नहीं कर सकते हो, तो बिहार के आवाम से माफ़ी मांगिए, गद्दी छोड़िए, तेजस्वी जी अपने वादे को पूरा करने के लिए तैयार बैठे। शराबबंदी करके रखी है और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में खुलेआम शराब लेना है। शराबबंदी नाम का है, RCP टैक्स, जदयू को अपना जो होश है वो भरना था, इसलिए एक तरफ लगा करके दूसरी तरफ सारे पैसे को RCP टैक्स के नाम से जा रहा है। तमाम थाने बिहार के उसके बोली लगते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, क्योंकि थाना शराब की दुकान बन चुकी है। पहले दुकान हुआ करता था सड़क के किनारे, अब शराब की दुकान है थाना। थाने में जब चाहिए 24 घंटा, जिस वक्त चाहिए, जिस तरह का शराब चाहिए, देसी हो, अंग्रेजी हो, फलाना हो, ढिकाना हो, जिस ब्रांड का चाहिए, आप थाने में जाइए, वहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए पूरे बिहार में शराब माफियाओं का राज चल रहा है, इसी का नरसंहार हो रहा है कि जो आदमी भी उसके खिलाफ बोलता है उसकी हत्या कर जाती है। पुलिस के पास कोई काम नहीं है, वो शराब के काम में इतना विलीन हो चुकी है, सत्ताधारी दल के नेता उसके ब्रोकर हैं और पुलिस उसको बेचती है अपने ब्रोकरों के द्वारा, कि उनको दुनिया का कोई काम न दिखाई पड़ता है। जो उन्होंने शपथ लिया उस वर्दी को पहनने वक्त, उस शपथ को भी वो भूल गए हैं, क्योंकि शराब और शराब के द्वारा पैसा उनको नज़र आता है, क्योंकि उनको भी RCP टैक्स देना पड़ता है, थाना को, DSP को, SP, IG, DIG, इन द्वारा DGP, तो सारे के सारे लोग
शराब के कारोबार में मस्त हैं, बिहार की जनता की इनको, बिहार की जनता की इनको कोई चिंता नहीं। अभी बड़ी घटना हुई थी, काफी तादाद में लोग जहरीले शराब पी के मर भी गए थे। नरसंहार हो रहा है, ये एक साजिश के तहत गरीबों को शराब पिला के मारा जा रहा है, नरसंहार हो रहा है। कहीं गोलियों से मारा जा रहा है, कहीं शराब पिला के मारा जा रहा है। आपने सुना है कि कभी शराब पीने से किसी नेता का बेटा, किसी बड़े आदमी का बेटा कोई मरा हो? नहीं। गरीब ये कहते हैं गरीबी मिटाएंगे, ये गरीबी को नहीं, ये गरीबों को मिटाना चाहते हैं। ये जो भाजपा के लोग हैं, ये इनको गरीबों से नफरत है, ये बलात्कारी लोग हैं। आज भाजपा के लोग क्या, देखिए कुलदीप सिंगर की पत्नी को फिर टिकट दे दिया भाजपा ने। आखिर क्या कारण है कि जहाँ भी बलात्कार होता है बलात्कारी भाजपा ही निकलता है? आखिर क्या कारण है कि जहाँ हत्या होता है वहाँ हत्यारा भाजपा ही निकलता है? आखिर क्या कारण है कि हाँ डकैती होती है वहाँ वो निकलता है, भाजपा ही निकलता है? क्या कारण है कि विधानसभा में ब्लू फिल्म देखने के लिए पकड़ा जाता है तो वो भाजपा ही MLA होता है? क्या कारण है कि जहाँ एक महिला के साथ बलात्कार करते हुए, रेप करते हुए, उसका वीडियो सेक्स करते हुए उसका वीडियो वायरल होता है, वो भाजपा ही मंत्री निकलता है? आखिर क्या कारण है कि तमाम गलत कामों का जब नाम निकलता है कि कौन कर रहा है तो वो भाजपा ही होता है? आखिर कुछ तो कारण है, क्योंकि इन लोगों की इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। ये लाशों पर राजनीति करना जानते हैं, इनको मोहब्बत और इंसानियत और इंसान से कोई मतलब नहीं है। जिस देश में राम के नाम पर चंदा मांगते हैं भाजपा के लोग, उसी देश में रावण सेना भाजपा के लोग बनाते हैं, जो मधुबनी में पकड़ाया है। वो भी पकड़ाया कब? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के दबाव में, जब सड़क पर उतरे, सरकार की चूल्हे हिल गई तो मजबूरी में पकड़ाया कहाँ? भाजपा के एक विधायक के गांव में, बचौल ठाकुर, उसके गांव में, उस विधायक के सबसे खास आदमी के घर से, और वो रावण सेना चला रहा था, उसके संरक्षण विनोद नारायण झा और वो बचौल ठाकुर, ये दो MLA मिलकर रावण सेना चलवा रहे हैं। ये भाजपा के लोग राम के नाम पर, मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि ये भाजपा के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नहीं हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने एक सौतेली माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए 14 साल वनवास कर जाते हैं। अपने इतने बड़े राजपाट को छोड़ करके वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मानने वाला किसी का मॉब लिंचिंग नहीं कर सकता, किसी की हत्या नहीं कर सकता, किसी के जमीन नहीं हड़प सकता, किसी के साथ जुल्म नहीं कर सकता, किसी का बलात्कार नहीं कर सकता। ये सारे के सारे नाथूराम के लोग कर सकते हैं, इसलिए ये भाजपा के सारे लोग ये नाथूराम के मानने वाले हैं, नाथूराम के चाहने वाले हैं। ये भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मानने वाले नहीं हैं। जनता के सामने ये लोग नंगे हो चुके हैं। बहुत जल्द बिहार और देश की जनता इन लोगों को जवाब देगी, सावरकर के चेलों को, अंग्रेज के चेलों को इनकी असल जगह पहुंचाएगी। नीतीश कुमार ने जनाधार खो दिया है। नीतीश कुमार जी के पास जनता का मैंडेट नहीं है, जनाधार खो दिया है, इसलिए नीतीश जी पुलिस के द्वारा, गुंडों के द्वारा शासन चलाना चाहते हैं। बिहार की जनता इसका भी जवाब देगी। ये सरकार चलने वाली नहीं है, ये सरकार बहुत जल्द गिरेगी, बहुत जल्द, क्योंकि जिसको जनता का समर्थन नहीं होता है वो सरकार पुलिस और गुंडों के बल पर बहुत दिन नहीं चला सकते। भाजपा पूरी ताकत क्या, जो कोई ताकत नहीं है भाजपा, पैसा, ये तो पूंजीपतियों की पार्टी है, इसने देश को लूटा और लूट करके सारा कल बल छल, दंगा फसाद, हिंदू मुस्लिम, लेकिन बंगाल की जनता भी इनको औकात दिखाएगी, इत्मीनान रहिए, बहुत जल्द ये हाशिए पे आएंगे, इनको समझ में आए। देश की जनता अब सब समझ रही है, भाजपा के सारे पोल पट्टी खुल चुके हैं, लोग समझ चुके हैं कि ये ना राम के हैं, न हिंदुस्तान के हैं, न इंसानियत के हैं, न मोहब्बत और प्यार के हैं, ये किसी का नहीं है, ये अपने आप का नहीं है, ये किसी का नहीं है। ये लोग विधानसभा में जब लाखों लोग बिहार के अंदर जमा हुए अपने, उनके मांग को, उनके वादे को याद कराने, तो इन्होंने गुस्से में आकर के विधायकों को पिटवाया। अब बताइए कि जब एक विधायक जो 3.5-4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वो अगर विधानसभा के अंदर महफूज नहीं है तो बिहार की आम आवाम कहाँ महफूज होगी, आप समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जूते से पिटवाया, मतलब बिहार की आवाम को जूते से पिटवाया, तो बिहार की जनता नीतीश कुमार जी का एक एक हिसाब लेगी। बिहार की जनता सब याद रखे हुए, दस्तावेज बना के रख लिया है बिहार के लोगों ने, और एक एक इनके कुकर्म का हिसाब लेगी बिहार की जनता। जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ कोरोना क्यों नहीं होता है, ये हमको कोई आदमी बता दे? क्या प्रधानमंत्री के लिए कोरोना नहीं है, अमित शाह के लिए कोरोना नहीं है? अमित शाह भाषण दे रहे लगाए हुए हैं मास्क, प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिसको देश उनकी बात को सुन के, उनको देख के अपने ऊपर भी लागू करता है, चलता है, वो लोग क्यों नहीं मास्क लगा के घूम रहे हैं?
वो लोग क्यों नहीं मास्क लगा के भाषण दे रहे हैं? आखिर वो बताया केंद्र के सारे मंत्री बिना मास्क के क्यों घूम रहे हैं, क्यों लाखों की हजारों की भीड़ में लोग चल रहे हैं? आखिर वहां कोरोना क्यों नहीं है? जहां चुनाव होता है वहां कोरोना भाग जाता है, कोरोना चुनाव से डरता है।